हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपको अपने स्मार्टफोन से वीडियो एडिट करना है, आपको वीडियो एडिट करना नहीं आता है, आपको वीडियो एडिट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपका कुकिंग का चैनल है, आप टेक वीडियो बनाते हैं, या आप कई छोटी छोटी वीडियो को शूट करते हैं, उसको एक साथ जोड़ना चाहते हैं, कई छोटी छोटी वीडियो के बीच में इफेक्ट लगाना चाहते हैं, वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना चाहते हैं, वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, वीडियो के ऊपर लोगो लगाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है एक वीडियो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन की मदद से ही अपनी वीडियो को बहुत ही आसानी से एडिट कर पाएंगे और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देंगे वीडियो को लाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं छोटी छोटी वीडियो को एक साथ जोड़ने के लिए यूज करने वाला हूँ पावर डायरेक्टर ऐप। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप है। तो चलिए पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों, जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि आप यहां पर पहले से कोई प्रोजेक्ट एडिट किए होंगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा, और यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट एडिट करना चाहते हैं, नई वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, उसके बाद दोस्तों आपसे प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो जो है ये पूछेगा। तो आप जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है सेट रहता है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नीचे जो है प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो में आप किस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या TV या लैपटॉप स्क्रीन के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 16:9 को सेट कर सकते हैं, या आप जो है रील्स, टिकटॉक, या जो है आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप यहां पर 9:16 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है आपको मोड मिल जाता है। तो चलिए मैं यहां पर जो है यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करके आपको दिखाता हूं। तो मैं यहां पर 16:9 को सिलेक्ट कर लेता हूं। कुछ इस तरह से जो है आपके स्क्रीन पर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपके स्मार्टफोन में जितने भी वीडियो के फोल्डर रहेंगे वो दिखाई देंगे, और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले मेन्यू के बारे में बता देते हैं। तो यहां पर आपको वीडियो का मेन्यू दिखाई देगा, उसके साथ ही फोटो का मेन्यू दिखाई देगा, उसके साथ ही वीडियो टेम्पलेट और म्यूजिक, तो ये सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो वाले फोल्डर में आपको आ जाना है। अब आपका यहाँ पर जो भी वीडियो, जहाँ पर भी आपने जो है सेव करके रखा है, उस फोल्डर में चले जाना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि नीचे जो है आपको टाइमलाइन दिखाई देगा, जहाँ पर सबसे ऊपर वाले रो में आपको जो है वीडियो और फोटो जो भी लगाएंगे वो सबसे ऊपर वाले रो में दिखाई देगा, और यहाँ पर सेकंड वाले रो में आपको म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप दूसरी म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक 2 में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको एडिट करने का तरीका आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वीडियो पहले से शूट करके रखा है, छोटे छोटे पार्ट है वीडियो के, मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको बताता हूँ कि आपको कैसे वीडियो को एडिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद प्लस के आइकन में जैसे आप क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन में आ जाएगी। अब आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में आ जाना है, उसके बाद जो है दूसरी वीडियो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से वीडियो के लास्ट में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर तीसरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आप जितनी भी वीडियो को एक साथ जोड़ना चाहते हैं उन सभी वीडियो को एक साथ जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक करके जो कई वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है वीडियो के लास्ट में आकर वीडियो को सिलेक्ट करते जाएंगे, वीडियो आपके पीछे जो है ऐड होती जाएगी। अब दोस्तों आपको शुरू में आ जाना है, और इसको एक बार प्ले करके मैं चेक कर देता हूँ कि इस वीडियो में वॉल्यूम है कि नहीं। तो चलिए प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ है, जिसको कि आप अगर हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर कॉर्नर में पेंसिल का एक टूल्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पर आना है, आपको वॉल्यूम पे आना है। वॉल्यूम में आपको दोस्तों म्यूट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप म्यूट कर इस वीडियो के वॉल्यूम को पूरी तरह से गायब कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो में वॉल्यूम रहे, मतलब आपकी कोई रिकॉर्डेड आवाज़ है, अगर आप चाहते हैं कि उसको केवल स्लो कर सके, तो स्लो करने के लिए दोस्तों आपको म्यूट नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है इसके वॉल्यूम लेवल को कम करना है। आपको यहाँ पर वॉल्यूम लेवल जो है मिल जाएगा, आप इसको जो है कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार जो है सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके आवाज़ को पूरी तरह से हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर म्यूट कर देता हूँ।
इसी तरह से दोस्तों आपको सभी क्लिप को सिलेक्ट करते जाना है और यहाँ पर वॉल्यूम में आकर म्यूट कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी जो है इसको करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे जो है जो भी मैंने वीडियो क्लिप यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है पूरी तरह से म्यूट हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप इन वीडियो क्लिप को जो है बीच में से कट करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पार्ट आपने रिकॉर्ड कर दिया है उसको कट करके निकालना चाहते हैं, तो आपको सिंपली दोस्तों जहाँ से कट करना है वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, उस जो है लोकेशन पर चले जाना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, उस लोकेशन पर इस लाइन को ले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक टूल्स मिलेगा जो कि है स्प्लिट का, आप यहां पर क्लिक करेंगे आपकी जो क्लिप रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब जिस भी पार्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पार्ट को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और उसको जो है यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट बटन का, आपको यहां पर क्लिक करके उस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप दूसरे क्लिप में से भी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको भी जहाँ तक आप लेना चाहते हैं वहाँ पर इस ब्लू वाले लाइन को ले जाना है और सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है स्प्लिट कर देना है। अब जिस पार्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पार्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप पीछे वाले को डिलीट करना चाहते हैं तो पीछे वाले को सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन पर क्लिक करना है। अगर आप आगे वाले क्लिप को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो आगे वाले क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट कर देना है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से अपनी वीडियो को एडिट कर पाएँ। सिंपली दोस्तों आपको जो है वीडियो की क्लिप को जो है सिलेक्ट करना है और जहाँ आपको ब्लू लाइन दिख रही है आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, स्प्लिट कर देना है। जिस पार्ट को डिलीट करना है उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक जो है वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है ट्रांजिशन। दो वीडियो के बीच में एक इफेक्ट आता है, जब वीडियो चेंज होता है तो वहाँ पर एक इफेक्ट दिया जाता है जिसको कि वीडियो ट्रांजिशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको सिंपली जो है दोनों वीडियो के बीच वाले जो है रेक्टेंगल भाग को जो है क्लिक करना है और आप यहाँ पर जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है जो भी आपकी इच्छा करे आप यहाँ पर ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लर को सेट कर देता हूँ और ब्लर को सेट करने के बाद जो है अगर मैं इस क्लिप को प्ले करता हूं तो देखिए कैसा इफेक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ब्लर होकर जो है यहां पर इफेक्ट हमको मिला है। इसी तरह से अगर हम यहां पर फेड को जो है सेट कर देते हैं तो इफेक्ट देखिए कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फेड इफेक्ट जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इस तरह से दोस्तों आप यहां से इसकी जो टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 0.5 यहां पर टाइमिंग सेट किया गया है, इसके ड्यूरेशन को जो है आप घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जितना ड्यूरेशन देना है उतनी जो है ड्यूरेशन आप यहां पर दे सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप यहां पर तरह तरह के जो इफेक्ट को सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको सेट कर देता हूँ तो देखिए कैसा इफेक्ट आता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट आया है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देता हूँ, मतलब दो वीडियो के बीच में आप ट्रांजिशन बहुत ही अच्छा लगा सकते हैं और पावर डायरेक्टर ऐप में आपको ढेरों ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप लगाते जाएंगे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी बनती जाएगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है ट्रांजिशन काम कर रहा है। चलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर ट्रांजिशन और भी ज़्यादा लगा देते हैं। ये देखिए ये ट्रांजिशन देखते हैं कैसा है। वाह सब यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रांजिशन आपको मिल जाएगा। 3D ट्रांजिशन भी है, आप यहाँ पर 3D ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्लिच ट्रांजिशन है, यहाँ पर स्प्लिट ट्रांजिशन है। तो आप दोस्तों बस ट्रांजिशन लगाते जाइए, आपकी वीडियो काफ़ी दमदार मज़ेदार बनती जाएगी। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि दो वीडियो के बीच में जो है ट्रांजिशन कैसे यूज करना है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी वीडियो के बीच में जो है जहाँ जहाँ पर पॉइंट कट हुआ है मैंने ट्रांजिशन लगा दिया है और इस तरह से आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है इन वीडियो के बैकग्राउंड में कोई गाना लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो गाना लगाने के लिए दोस्तों आपको सिंपली जो है स्टार्ट पॉइंट पर आ जाना है या जो है आप जहाँ से भी गाना लगाना चाहते हैं उस पॉइंट पर चले जाना है और सिंपली जो है आपको यहाँ पर मीडिया एंड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें चले जाना है। अब आप यहाँ पर जहाँ पर भी अपना सॉन्ग रखे हैं वहाँ पर आपको चले जाना है। तो वीडियो एडिटिंग में मैंने जो है कॉपीराइट फ्री सॉन्ग रखा है, केवल आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। आपको सिंपली जो है म्यूजिक को सिलेक्ट करना है और प्लस के आइकन में क्लिक करना है, आपकी म्यूजिक जो है म्यूजिक लेयर में आ जाएगी। अब दोस्तों इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक लग चुका है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में है। इसकी वॉल्यूम को कम करने के लिए आपको म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और वॉल्यूम को यहाँ पर क्लिक करना है और इसके जो है
आपको वॉल्यूम लेवल को जो है कम कर देना है। जितना रखना चाहते हैं आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि किसी वीडियो में जब हम म्यूजिक लगाते हैं तो म्यूजिक जो है धीरे धीरे स्टार्ट होता है और लास्ट में धीरे धीरे जो है उसको ख़त्म करते हैं, तो वैसा इफेक्ट देने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, फेड इन फेड आउट। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर फेड आउट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप इस म्यूजिक को प्ले करेंगे तो ये धीरे धीरे बजते हुए स्टार्ट होगा और फिर जितना लेवल रहेगा वॉल्यूम का वहाँ तक जाएगा और लास्ट में दोस्तों इसी तरह से जो है आपको लास्ट में करना क्या है कि इस म्यूजिक को जो है वीडियो के क्लिप के बराबर ले जाकर जो है इसको स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट करने के लिए म्यूजिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है स्प्लिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस म्यूजिक को जो है डिलीट कर देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और वॉल्यूम पर क्लिक करना है। फेड इन फेड आउट इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए धीरे धीरे जो है बजते हुए खत्म होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो अपने वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है म्यूजिक का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी जो है हमको अपने वीडियो पर लोगो लगाना होता है, तो दोस्तों वीडियो के ऊपर लोगो लगाने के लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जहाँ पर भी आप अपना फोटो रखे हैं उस फोल्डर में आपको चले जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद दोस्तों आपको जो भी लोगो लगाना है वो लोगो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए जो है एक यहाँ पर अपना जो है लोगो लगाकर आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर YouTube का ही लोगो ले लेता हूँ। लोगो लेने के बाद दोस्तों आपको जो है जो लोगो सेलेक्ट करेंगे वो लेयर में आ जाएगा। सिंपली जो है आपको यहाँ से जो है खींच कर इसको जो है अपने वीडियो के लेंथ के बराबर कर लेना है। इसकी लेंथ लोगो की लेंथ को जो है वीडियो की लेंथ के बराबर कर लेना है। उसके बाद ये लोगो जो है वीडियो के बीच में है, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको सिंपली जो है जहाँ पर भी जिस कॉर्नर में लगाना है उस कॉर्नर पे ले जाना है और इसके जो है कॉर्नर को पकड़ के इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। सिंपली जो इसको अप डाउन कर छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं रोटेट बटन की मदद से, बहुत अच्छे से रोटेट भी हो जाएगा। अब आप जिस भी कॉर्नर में जो है लोगो को रखना चाहते हैं वहाँ पर ले जाकर अपने लोगो को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कॉर्नर में इसको रख देता हूँ। अब चलिए एक बार प्ले करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया और लोगो भी लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ब्लॉग के लिए अपनी वीडियो को कई पार्ट में शूट करते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसको अपने स्मार्टफोन की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एडिट कर सकते हैं, कई पार्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं, कई पार्ट के बीच में जो ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं, वीडियो के ऊपर जो है लोगो लगा सकते हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पूरी तरह से ब्लॉग वीडियो को एडिट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। अब दोस्तों एक काम और करना है कि कभी कभी जो वीडियो के ऊपर हमको टेक्स्ट देना होता है, तो टेक्स्ट देने के लिए दोस्तों आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर ढेरों जो है फॉर्मेट मिल जाएंगे टेक्स्ट का, जो आप टेक्स्ट यहाँ पर यूज करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर एक टेक्स्ट को जो है ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो चलिए यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम ले लेते हैं। ये टेक्स्ट जो है हम सिलेक्ट कर यहाँ पर लेयर में ला देंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट जो है एडिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको जो है आप जितना भी बड़ा साइज में रखना चाहते हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो है आप मूव करके जो है अप डाउन कर ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ पर इसको एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करना है आपको और आपको यहाँ पर जो भी जो है टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है जिसको एडिट करना चाहते हैं, कौन से भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है एड टाइटल हियर को जो है एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज लाइक, तो आप देख सकते हैं कि रेड वाले भाग में जो है प्लीज लाइक लिख दिया है। एंड हमको जो है यहाँ पर दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसको भी हमको एडिट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। तो प्लीज लाइक हमने लिख दिया था, अब प्लीज सब्सक्राइब हम लिख देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट वाले भाग में जो है प्लीज सब्सक्राइब भी आ गया। आप कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बहुत सारे टेक्स्ट को अपने वीडियो के ऊपर जगह जगह पर लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार प्ले करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वीडियो पर जो है टेक्स्ट हमारे आ गया है, वीडियो के ऊपर लोगो आ गया है और कई वीडियो को हमने यहाँ पर एक साथ ऐड भी कर दिया है। तो दोस्तों इसे जो है वीडियो मर्जिंग बोला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा
वीडियो एडिटिंग का जो है टूल्स है, जिसकी मदद से आप कई छोटी छोटी वीडियो को एक साथ ऐड कर कर जो है एक वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो एडिटिंग आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इसको जो है अपने फ़ोन के गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो फ़ोन के गैलरी में सेव करने के लिए आपको इस वीडियो को, ताकि एक साथ जो है सारी वीडियो आपको मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है। कॉर्नर में आपको एरो दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सेव टू गैलरी और एचडी कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो है रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूट्यूब के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर 720 पिक्सल को जो है सेट करेंगे। इससे जो है साइज जो है वीडियो की ज़्यादा नहीं होगी, काफ़ी अच्छी साइज जो है आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ये वीडियो आपके गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सेटिंग में जाकर आप इसका बिट रेट, फ्रेम रेट, ये सब भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर भी सेव करना है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद जो है हमारी ये वीडियो जो है एक साथ जुड़कर हमारे फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगी। हम उसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप की वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है। जब तक वीडियो नहीं बन जाता है, आपको जो है कुछ और भी काम इस अपने फ़ोन में नहीं करना है, वीडियो को बनने देना है। उसके बाद ये वीडियो जो है आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि सर इससे जो हम कितनी बड़ी वीडियो बना सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फ़ोन के रैम और आपके फ़ोन के जो है प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी वीडियो बना सकते हैं। जितना अच्छा फ़ोन रहेगा उतनी अच्छी वीडियो आपकी बनकर आपको मिलेगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से अपनी वीडियो को अपनी स्मार्टफोन के थ्रू एडिट कर पाएंगे और वीडियो के बीच में ट्रांजिशन, वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक, वीडियो के ऊपर लोगो, टेक्स्ट लगा पाएंगे। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक टेक्निकल देव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।